कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़िया में बने कृष्ण कृष्णकूप पर पूजा के अधिकार की इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखी मांग तेरह मार्च को होंगी सुनवाई केशव वाटिका के बाद अब कृष्ण कृष्णकूप का भी खुलेगा हिंदुओं के लिए दरवाजा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़िया में बने हुए कुएं को कृष्ण कृष्णकूप होने का दावा किया है उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाब ने इस कुएं का निर्माण कराया था इस कुएं पर बच्चों के मुंडन और होली के बाद बासोडा के दिन ब्रज में होली के बाद माता शीतला की पूजा का त्यौहार पर इस कुएं की पूजा का प्रचलन है पिछली बार शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने हिंदू पक्ष की महिलाओं के पूजा का विरोध किया था प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद कृष्णकूप पर हिंदुओं को पूजा कराई थी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष की अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि होली का पर्व नज़दीक है और होली के बाद जब बासोधा का त्यौहार आएगा तो हिंदू लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए जाएंगे वहाँ पर किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो जैसा पिछली बार हुआ था सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें सही तरीके से पूजा का अधिकार दिया जाए कृष्णकूप के पूजा पर रोक का कोई भी आदेश न तो प्रशासन की तरफ से है और न ही कोर्ट की तरफ से फिर बिना वजह जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है उसको मुस्लिम पक्ष रोकने का प्रयास कर रहा है इसी विषय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है और उसने कृष्णकूक पर पूजा के अधिकार की मांग रखी है अब शाही ईदगाह मस्जिद की सीरिया में कृष्णकूप होने का दावा किया है लगातार हिंदू पक्ष प्राचीन काल से इस कुएं पर पूजा करने के लिए भी आता जाता रहा है लेकिन जब से शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद सुर्खियों में आया है तब से मुस्लिम पक्ष की तरफ से उस कुएं पर पूजा के लिए विरोध सामने आ रहा है अब साधु संत और हिंदू संगठनों की मांग उठी है कि जल्द ही अब उन्हें कृष्ण कृष्णकूप पूजा का अधिकार मिलेगा जिस तरह श्री कृष्ण जनस्थान के अंदर स्थित शाही ईदगाह से सटी केशव वाटिका को बिना किसी आदेश के 24 साल तक बंद रखा था और सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद केशव वाटिका को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव वाटिका पर लगे ताले की जानकारी शासन प्रशासन से की कि, कि किसकी आदेश पर केशव वाटिका का ताला श्रद्धालुओं को रोकने के लिए लगाया गया तो कोई भी लिखित आदेश किसी के पास नहीं था केवल पिछली सरकार में प्रभाव के कारण अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि में स्थित शाही ईदगाह से सटी केशव वाटिका का ताला बंद कर दिया था अब हिंदू पक्ष को उम्मीद लगी है कि कृष्ण वाटिका के बाद अब कृष्ण कृष्णकूप पर लगी पाबंदी भी हिंदुओं के लिए जल्द खुलेगी जिससे वहां पर वह प्राचीन परंपरा का निर्वहन कर सकेंगे और पूजा कर सकेंगे और उन्हें पूजा का अधिकार मिल सकेगा मस्जिद की सीरिया में कृष्ण कृष्णकूक होने का दवा हिंदू पक्ष को श्री कृष्ण जन्मभूमि जन्मभूमिशाही ईदगाह विवाद मामले में और मजबूती प्रदान करता है इसीलिए हिंदू पक्ष इस कृष्ण कूप पर निर्विघ्न पूजा के अधिकार की मांग उठा रहा है हालांकि इस कृष्ण कूप पर हिंदू लगातार अब तक पूजा करते रहे हैं लेकिन मुस्लिम पक्ष उसका विरोध करता है इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तारीख तय की है